अब रीट भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की कई मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ 23 तारीख का पेपर कई लोगों का कठिन आया था, लेकिन मैं इतनी अपील कर सकता हूँ, अब अपील कर लो, आप काट के वीडियो डाल देना, ट्वीट कर दे, कई लोग कह रहे ट्वीट करो, तो मैं इतनी अपील बोर्ड के अधिकारियों से, मैंने उस दिन कहा था, सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री से अपील कर रहा हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करो, हमें कोई इतराज नहीं है। जो 23 तारीख को पेपर कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनके 83 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, जिनके जो किनारे पे, उनका किसी का भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कम कर दोगे वो बाहर हो जाएगा। कम किसी का भी नहीं हो, नंबर नॉर्मलाइजेशन करके सबके बढ़ा दो, किसी के साथ गलत नहीं हो। 23 शिफ्ट वाले जिनका कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं हो, और जो जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं 90, 83 अलग अलग कैटेगरी के जो नंबर चाहिए उनके कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, उनके साथ गलत हो जाएगा। तो किसी के साथ गलत नहीं हो, मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करिए, लेकिन कम किसी का नहीं हो, और जिनका पेपर कठिन आया उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, और जिनके सही नंबर आए, फिक्स नंबर आए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्णय बोर्ड को करे। मैंने उस दिन कहा था, लिखित में भी कहा था, कम किसी का नहीं होना चाहिए, दिया था मैंने पेपर में भी, और अब और अपील कर रहा हूँ, घर किसी के साथ नहीं हो।